जो जंगल में से लकड़ी पकड़े काटा जाता है ना, हाँ हाँ, लोग खदेड़ा करता है। अच्छा अच्छा, इधर इस रूट में बाघ छोड़ा गया, बाघ छोड़ा गया। अच्छा, कई एक साल हो गए, बहुत पहले छोड़ा गया था अपने, कम से कम 200 इसमें इधर थोड़े रहता, पीछे बीच में रहता, इधर के आदमी का भानक नहीं रहता उधर। अभी हम वापस आ गए हैं, क्या करना है, टांगे पे बैठे तो बैठ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब क्या बता, तो यहाँ पे चचा का घोड़ी का नाम पूछते, क्या नाम है घोड़ी का चचा? अगर इसके इतिहास की अगर बात करते हैं, पहले यहाँ पे गड्ढा है, मैं पार करता हूँ, देखिए मुझे फाड़ना पड़ेगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम हैं राजगीर में, राजगीर में कुछ काम से आए हुए थे नालंदा और राजगीर, तो सोचा कि यहाँ पे जब आए हुए हैं तो एक दो जगह घूम लिया जाए। तो मैं कहाँ घूमने जाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जब आया हुआ था कुछ काम से, तो यहाँ पे जब हमने टांगे वाले से बात किया, तो यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी है, जो भी पार्क है, जो भी घूमने का जगह है, जैसे लक्ष्मण झूला हो गया, पांडू पोखर हो गया, या फिर घोड़ा कटोरा, सब बंद है, लेकिन एक दो स्थान जो है वो खुला हुआ है। तो सोचा कि मैं जो है वो घूम लूँ, तो अभी जो है उसी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी जो हम घूमने जा रहे हैं, चूंकि सब चीज तो बंद है, अभी घूमने जा रहे हैं हम भीम और जरासंध का जो रण भूमि था वहाँ घूमेंगे, उसके बाद दिम्बितार का जो जेल है वहाँ घूमने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ये दोनों जगह को आज हम घुमाने वाले हैं। तो ये देखिए सामने में ब्रह्मकुंड है, गर्म जल का यहाँ पे झरना है, यानी कुंड है, ये अभी बंद है। तो दोस्तों अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो इसीलिए खुला हुआ है कि वहाँ बिल्कुल वो जो पड़ता है, मतलब रणभूमि है, वो बिल्कुल अलग है, और वो इसीलिए खुला हुआ है अभी, लेकिन अभी जो है कोरोना में सब चीज़ बंद है। तो सोचा कि यहाँ पे आया हुआ हूँ तो यहाँ पे घूम लिया जाए। तो यहाँ पे हम चचा से कुछ बात कर रहे हैं कि ये कोरोना जब बढ़ रहा है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो चचा सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। अनिल राम, अनिल जी नाम है आपका, अनिल राम नाम है। तो जैसे कि यहाँ पे सब चीज़ तो बंद है, जो भी है यहाँ पे लक्ष्मण झूला से लेके हर चीज बंद है, घूमने वाला जो राजगीर में जगह है, सारी चीज जितना भी है सब बंद, सब बंद है। तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा, जैसे आप लोग टांगा चला के, हम लोग जितना दूर आपको लेकर जा रहे हैं सर, कम से कम मानिए तो 600 रुपया मान के चलिए, जाना वाना सब घुमा के लाने। अच्छा, यहाँ आपको कितना ले जा रहे, खाली लस्सी में दाना खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, किसी तरीके से इसका तो पेट। तो यहाँ पे ये टांगा चलाते हैं और इनका नाम अनिल जी है, तो ये इनके साथ हम भी इसीलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये घोड़ा रखे हुए, देखिए टांगा है, तो इसके लिए कम से कम अनाज जुट जाए, क्योंकि अभी जो है इनका कोई पैसेंजर, कोई भाड़ा नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को, मतलब ये घोड़ा को जो है दाना खिलाने में, यानी खाना खिलाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए सोचा हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि चलिए घूम लिया जाए, तो इन्हीं के साथ जा रहे हैं हम लोग। ये स्थिति हो रही थी यहाँ पे, अभी सब लोगों को जो है बहुत काफ़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं तभी से, उसी से जो है इनका इनकम होता है, इनका मतलब जो भी होता है घर का रोजी रोटी चलता है। और अभी जो है कोरोना के कारण सब बंद है, कोरोना ऐसा चीज़ है इसको बंद करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को, हम लोग को भी जो है प्रिकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को खासा दिक्कत हो जाती है इस कोरोना के महामारी में। अपने कम से कम 200 इसमें इधर थोड़े रहता, पीछे बीच में रहता, इधर के आदमी का भानक नहीं रहता उधर। तो यहाँ पे जो साइड में देख रहे हैं, जिस रास्ते से हम अभी गुजर, कौन सा मार्ग इसको बोलते हैं, गया रोड है, एक गया रोड है। अच्छा, राजगीर से जो गया बस जाती है, फिर गाड़ी जाती है, गया रोड है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों साइड में जो है जंगल टाइप का है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट के अंदर में है सारा चीज, और यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ छोड़ा गया जानवर, क्या सरकार की तरफ से बाघ छोड़ा गया, बाघ छोड़ा गया। अच्छा, कई एक साल हो गए, बहुत पहले छोड़ा गया था। अच्छा, तो बाघ दिखता है, आप लोग आते हैं यहाँ? इधर कहाँ, इधर ना, जो जंगल में से लकड़ी पकड़े काटा जाता है ना, हाँ हाँ, लोग खदेड़ा करता है। अच्छा अच्छा, इधर इस रूट में नहीं आता, जिसमें गाड़ी चलता रहता है, इधर वो लोग आदमी का भनक सुन को रहेगा। अच्छा, साइड हो जाता है ना। हाँ, ये जो सामने मार्ग जा रहा है, आपको रास्ता जा रहा है, वो स्वर्ण भंडार, सोन भंडार मनियार मठ को जाता है। और दोस्तों आप लोग को ये बता दूं कि मैं खास करके राजगीर घूमने नहीं आया हूं, आप ये कमेंट करके मत बोलिए कि आप राजगीर घूमने जा रहे हैं इस कोरोना के दौर में। मैं यहाँ आया हुआ था तो इनसे बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ घूमना चाहिए, ताकि इनका भी जो है, इनका जो घोड़ी है उसका जो कुछ दाना पानी जो है वो निकल जाए। तब क्या बता,
तो यहाँ पे चाचा का घोड़ी का नाम पूछते, क्या नाम है घोड़ी का चाचा? चाचा बोल रहे हैं कि इसका कुछ नाम ही नहीं है, कुछ नाम नहीं है। घोड़ा का नाम क्या बता, अपना नाम बता दिए। ये बोल रहे हैं कि हम अपना नाम बता दिए, घोड़ी का नाम अभी कुछ नहीं है। और हमारे साथ जो आए हुए हैं कुछ दोस्त लोग, वो बोल रहे हैं कि इसका नाम बसंती बोल सकते हैं। अपना मन में गाड़ी कुछ के अपना नाम केस कर। तो यहाँ पे हम लोग जिस मार्ग से अभी होकर गुजर रहे हैं, देख लीजिए, इस साइड जंगल और बीच से रोड है। ये दृश्य जो है ऐसा लगता है कि सही में हम लोग सच में प्राकृतिक के गोद से होकर गुजर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं बिभिनसार का जो जेल था वहाँ पे, देखिए पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे कोई लोग नहीं है, बस हम ही लोग आए हैं, हम ही तीन लोग यहाँ पे हैं जो अंदर जा रहे हैं, देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि मैं मास्क नहीं लगाया हुआ हूँ, मास्क तो है लेकिन नीचे मैं किया हुआ ताकि आपको क्लियर वॉइस सुनाई दे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए आसपास मेरे कोई नहीं है यहाँ पे, जब कोई नहीं है तो आप बिना मास्क के भी रह सकते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड लगाया गया और लिखा गया है बिम्बिसार कारागार, बिम्बिसार जेल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं बिम्बिसार का जेल जो है। यहाँ पे चारों तरफ से बाउंड्री करके रखा गया, देखिए यहाँ पे पत्थर से जो है घेरा गया है, और यही जो है बिम्बिसार का जेल है। देख लीजिए इस कारागार यानी जेल का पूरा व्यू, आप देख लीजिए इस तरह से है, इसका पत्थर से जो घेरा गया है और बीच में जो है खाली जगह है यानी स्पेस है। अगर इसके इतिहास की अगर बात करते हैं, पहले यहाँ पे गड्ढा है मैं पार कर देता हूँ, देखिए मुझे फाड़ना पड़ेगा। तो इसके हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो राजा बिम्बिसार जो थे अपने पिताजी को यहीं पे कैद करके रखे थे। और अभी जिस टांगे वाले के साथ हम आए हैं अनिल जी के साथ में, उन्होंने बिम्बिसार जो राजा थे जो अपने पिताजी को कैद करके रखे थे उनका नाम भी बताए थे वो, लेकिन अभी हम भूल गए हैं तो उनसे फिर हम आपको पूछ के बताते हैं। उनको अभी मेन रोड पे हम लोग छोड़ के आए हैं, तो वो बिम्बिसार के पिताजी का नाम क्या था वो हम उनसे पूछ के आपको बताते हैं। यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए यही रास्ता था और मैंने आपको ये जो कारागार है जो जेल है मैंने आपको दिखला ही दिया, इसका पूरा व्यू। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बाउंड्री किया गया है और यहीं पे शायद जेल हुआ करता होगा, और उसी जेल में जो है राजा बिम्बिसार अपने पिताजी को कैद करके रखे हुए थे। अभी हम वापस आ गए हैं टांगे पे, तो बैठ जाते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो अनिल जी आप बताइए उनका नाम क्या था, राजा बिम्बिसार के जो पिताजी थे? आजाद शत्रु। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं भूल गया हूँ, तो बिम्बिसार के पिताजी थे आजाद शत्रु, उन्हीं को यहाँ पे बिम्बिसार जो है यानी अपने पिताजी को ही कैद करके रखे थे यहाँ पे। फिर क्या हुआ था आगे कहानी, क्या कुछ पता? यहाँ से खुदा होकर जो हथकड़ी निकला है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, हाँ रखा हुआ है यहाँ सिर्फ जगह। अच्छा, मतलब यहाँ पे खुदा हथकड़ी निकला था यहाँ पे ना, वहाँ सब विश्वविद्यालय में। अच्छा, जितना भी खुदा वगैरह निकला है पुराना समाज सब विश्वविद्यालय। अच्छा, तो अनिल जी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है खुदाई किया गया था और उसी खुदाई में जो है यहाँ पे हथकड़ी और भी कुछ मिले होंगे आपसे, जिससे यह मतलब जाहिर होता है कि राजा बिम्बिसार अपने पिताजी को यहाँ पे कैद करके रखे हुए थे। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर, जो है लक्ष्मण झूरा जाने का रास्ता है यानी विश्व शांति स्तूप जो है इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। तो अभी हम फिर आगे की ओर निकल चुके हैं। तो चाचा आपसे एक क्वेश्चन, एक सवाल है, ये टांगा पे एक साथ आप कितने लोगों को ले आ सकते हैं? पांच छह आदमी एक टांगा पे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं रणभूमि। ये देखिए सामने से आपका फ्रंट व्यू देख लीजिए, मैं अभी अंदर एंट्री कर रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखलाऊंगा। अच्छा, इसी में मल जुट किया था जलासेन भीम। रही कृष्ण भगवान के रंथ है जलासेन भीम ने इस जगह में युद्ध कराने के लिए आए थे। तो यहाँ पे युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? यहाँ तो उसको दो भाग कीजिए, दो भाग कर करके जलासेन का की तो 10,000 हाथी के ताकत था। जो आपने पैर का निशान दिखाया उन्हीं के वजन से वो पैर का निशान पड़ा, और भी पत्थर पे। अच्छा, भगवान का शक्ति से पत्थर पूरा की तो कीचड़ हो गया उस समय। अच्छा,